जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। साधक में साधुता पुस्तक से पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, नियम के बिना जो भजन कियो जाए है उसका अधिक महत्व नहीं। यदि रुचि पूर्वक नियम सो दीर्घ काल पर्यंत भजन कियो जाए तो भजन भगवान साधक को पकड़ी ले है। यदि रुचिपूर्वक नियम से दीर्घ काल तक भजन किया जाए तो भजन रूप भगवान साधक को पकड़ लेता है। वह परम सौभाग्यशाली दिवस है जा दिन नियमित भजन पूर्ण रूप सो बनी जाए। सबरी कामनाओं को त्याग के एक ही कामना बनाएवे की मैं अधिक सो अधिक भजन ही करूं। यदि कृपा करके स्वयं श्री भगवान वरदान देवे के ताई प्रकट हैं के आज्ञा करें तो इनसों हूँ केवल यही याचना करें कि मैं निरंतर आपको भजन स्मरण ही करतो रहूं, यही वरदान दे जाओ। नित्य सायंकाल में शयन सो पूर्व यह विचार ले कि आज भजन में कैसी रुचि रही। साथ ही यह प्रतिज्ञा करे कि अगला दिन आज सो अधिक भजन में उत्साह रखूंगो। प्रातःकाल जागते ही श्री सद्गुरु भगवान सो प्रार्थना करें कि आज भजन करवे में मेरे मन में अत्यधिक उत्साह रहे। अपनी रहनी ऐसी बनाए ले कि जासों भजन करवे में सब प्रकार की सुविधा रहे। भजन में शिथिलता होनो पाप को परिणाम है, भजन बंद है जानो अपराध को परिणाम है। पुण्य के फल स्वरूप भजन में रुचि बढ़े हैं एवं रस की उत्पत्ति होए वे लगे हैं। या में सबसे उत्तम पुण्य है सबके सुख पहुँचाए वे को विचार तथा भजन करवे वारे की सब प्रकार सो सहायता करनी चाहिए। जब ताई भजन में आनंद नहीं आवेगो तब ताई या में रुचि हैवे की कमी रहेगी। भजन में आनंद मिले या के ताई उपाय है अधिक सो अधिक एकांत में बैठ के सब प्रपंचन सो बच के नियम सो भजन करनो। भजन बनवे लगे यही श्री भगवत कृपा है। भजन करवे के समय आलस्य को आक्रमण न होने पावे। या के ताई चाहे जो युक्ति सोचनी पड़े, जैसे टहलवे लगें, जल सो मुख धोए लें, जल पी लें, स्वच्छ वायु सेवन करें, काहू काम में हाथ लगाए देवें, श्री भगवत कृपा को स्मरण करवे लगें, अधिक जम्भाई लेवें सो सदैव बचें। जिह्वा की सफलता श्री भगवन नाम उच्चारण, श्रवणन की सफलता श्री नाम श्रवण में तथा मन के ताई परमानंद केवल श्री नाम के रसामृत पीवे में ही है। दीर्घ काल पर्यंत भजन करवे पे यदि भजन में प्रगाढ़ रुचि न भई तो समझ लेनो चाहिए कि हमारे अंतःकरण में कोई अन्य अभिलाषा आसन जमाई भई है। वाकु पूर्ण खोज करके शीघ्र अतिशीघ्र निकार के भगाए देनो चाहिए। भजन करवे में यदि कबहूँ दुर्भाग्य सो प्रमाद बनी जाए तो अंतःकरण में अत्यंत खिन्नता होनी चाहिए, क्योंकि यदि प्रमाद को सहन कर बैठे हो तो या को दुष्परिणाम काहू समय भजन सो विमुख कराए बैठेगो। श्रद्धावान सो प्रमाद नहीं बने हैं, श्रद्धावान सो प्रमाद नहीं बने हैं। तप त्याग संयम नियम पालन श्रद्धा सदाचार तथा निष्कामता के साथ साथ जो भजन कियो जाए है वह भजन विषयन सो घृणा संसार सो उपरति और श्री प्राण प्यारे दुलारे जीवन आधार में स्नेह लता को अंकुर उत्पन्न करवे लगे हैं। बड़ी गहराई सो यह देखते रहो कि मैं भजन उचित रूप सो कर रहे हूँ या नहीं। अपने समस्त उत्साह को, अपनी समस्त रुचि को और अपनी समस्त तत्परता को शीघ्र अतिशीघ्र लगाए दे केवल भजन करवे में। एकांत में बैठ के घुटने टेक के अंतःकरण की सबरी शक्ति को बहाए के भजन सो केवल भजन ही मांगे।
भजन सो केवल यही मांगे कि भर पेट भजन कर लें, भर पेट भजन कर लें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण।